आप सब लोगों को हमारे YouTube चैनल नॉलेज दुनिया में स्वागत है। इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप UPSC, SSC, बैंक और रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख ले, आप बहुत कुछ चीज जान जाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर रोज ऐसे ही ज्ञान वाला वीडियो पा सके। ये रहा पहला सवाल, पंजाबी भाषा का लिपि का नाम क्या है? इसका चार ऑप्शन है, ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी ब्राह्मी या डी उर्दू। अगर आप लोग सोचना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके सोच सकते हो, उसके बाद अपना उत्तर चेक कर सकते हो। इसका उत्तर है बी गुरुमुखी। तो पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी। ये रहा दूसरा सवाल, बिहू कौन सा राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी आसाम या डी पंजाब। इसका उत्तर है सी आसाम। तो बिहू आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ये रहा तीसरा सवाल, गौतम बुद्ध को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? इसका ऑप्शन है ए राजेश, बी सिद्धार्थ, सी मनोज या डी राकेश। इसका उत्तर है बी सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। ये रहा चौथा सवाल, गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका ऑप्शन है ए आसाम, बी पंजाब, सी तमिलनाडु या डी ओडिशा। इसका उत्तर है बी पंजाब। तो गिद्दा पंजाब राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ये रहा पांचवा सवाल, इनकलाब जिंदाबाद प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी भगत सिंह। इसका उत्तर है डी भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद प्रसिद्ध नारा भगत सिंह ने दिया था। ये रहा छठा सवाल, पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल या डी जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर है बी लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये रहा सातवां सवाल, हवा महल भारत के कौन से राज्य में है? इसका ऑप्शन है ए आसाम, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है बी राजस्थान। तो हवा महल भारत के राजस्थान राज्य में है। ये रहा आठवां सवाल, लोह पुरुष किस प्रसिद्ध व्यक्ति को कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी या डी गौतम बुद्ध। इसका उत्तर है बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लोह पुरुष प्रसिद्ध व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये रहा नौवां सवाल, क्षेत्रफल यानी एरिया के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए आसाम, बी गोवा, सी राजस्थान या डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है बी गोवा। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य का नाम है गोवा। ये रहा दसवां सवाल, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी ओडिशा। इसका उत्तर है सी केरल। तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ये रहा ग्यारहवां सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका ऑप्शन है ए वाशिंगटन डीसी, बी न्यूयॉर्क, सी जेनेवा या डी रोम। इसका उत्तर है बी न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पर है। ये रहा बारहवां सवाल, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर भारत के किस राज्य में है?
इसका ऑप्शन है ए आसाम, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है बी हरियाणा। तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर भारत के हरियाणा राज्य में है। ये रहा 13वां सवाल। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री यानी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था? इसका ऑप्शन है ए मनोहर लाल खट्टर, बी भगवत दयाल शर्मा, सी भगवान शर्मा या डी परेश बघेल। इसका उत्तर है बी भगवत दयाल शर्मा। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम है भगवत दयाल शर्मा। ये रहा 14वां सवाल। प्रसिद्ध चार मीनार भारत के कहां पर है? इसका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद या डी नागपुर। इसका उत्तर है सी हैदराबाद। तो प्रसिद्ध चार मीनार भारत के हैदराबाद पर है। ये रहा 15वां सवाल। मारो फिरंगी को नारा किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने दिया था? इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी मंगल पांडे या डी सुभाष चंद्र बोस। इसका उत्तर है सी मंगल पांडे। तो मारो फिरंगी को नारा प्रसिद्ध व्यक्ति मंगल पांडे जी ने दिया था। ये रहा 16वां सवाल। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी यूरी गागरिन, सी राकेश शर्मा या डी बज एल्ड्रिन। इसका उत्तर है सी राकेश शर्मा। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम है राकेश शर्मा। आप लोगों की ऑनलाइन टेस्ट कैसा चल रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये रहा 17वां सवाल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए 21 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 20 जनवरी या डी 21 मार्च। इसका उत्तर है बी 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये रहा 18वां सवाल। 2018 फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? इसका ऑप्शन है ए ब्राजील, बी रूस, सी इंग्लैंड या डी अमेरिका। इसका उत्तर है बी रूस। तो 2018 फुटबॉल विश्व कप रूस देश में आयोजित हुआ था। ये रहा 19वां सवाल। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी मुख्यमंत्री। इसका उत्तर है सी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये रहा 20वां सवाल। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? इसका ऑप्शन है ए सिलोन, बी कलोम्बो, सी श्रीलंकाई या डी जयवर्धनेपुरा। इसका उत्तर है ए सिलोन। तो श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन। ये रहा 21वां सवाल। किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए ध्यानचंद, बी सचिन तेंदुलकर, सी अभिनव बिंद्रा या डी साइना नेहवाल। इसका उत्तर है ए ध्यानचंद। तो ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा 22वां सवाल। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका ऑप्शन है ए उमरकोट, बी गोलकोंडा, सी खंडगिरी या डी उदयगिरी। इसका उत्तर है ए उमरकोट। तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म उमरकोट पर हुआ था। ये रहा 23वां सवाल। शहीदी ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका ऑप्शन है ए खुशवंत सिंह, बी भगत सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू या डी महात्मा गांधी। इसका उत्तर है बी भगत सिंह। तो शहीदी ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। ये रहा 24वां सवाल।
मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? इसका ऑप्शन है ए 1992, बी 1993, सी 1994 या डी 1995। इसका उत्तर है डी 1995। तो मिड डे मील योजना साल 1995 में शुरू हुई थी। ये रहा 25वां सवाल और आखिरी सवाल इस ऑनलाइन टेस्ट का। किस नदी का नाम दक्षिण गंगा रखा गया है? इसका ऑप्शन है ए कावेरी, बी कृष्णा, सी ब्रह्मपुत्र या डी गोदावरी। इसका उत्तर है डी गोदावरी। तो गोदावरी नदी का नाम दक्षिण गंगा रखा गया है। आप लोगों को ये ऑनलाइन टेस्ट कैसा लगा और ये आप 25 सवाल में से कितना उत्तर ठीक कर पाए हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।